हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट गर्ल वर्सेस हेयर वर्षा विद यू। तो आज का जो वीडियो है, एक हॉल वीडियो होने वाला है। मैं जो है आज नायका हॉल वीडियो लेके आई हूँ। मैंने कुछ प्रोडक्ट नायका से परचेज की हूँ, तो उसी को ही आपके साथ शेयर करूँगी विद प्रोडक्ट डिटेल्स, जितना भी उसकी प्राइसेस वगैरह होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू वॉच ऑल द लेटेस्ट वीडियोज एंड मेक श्योर यू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट परचेज की हूँ, उसी को शेयर करूँगी आपके साथ। अभी जो है नायका पे सेल चल रही है, मैजिकल क्रिसमस ब्यूटी सेल, जो कि शायद 16 से 26 दिसंबर तक रहेगी। तो आपको अगर कुछ परचेज करना है तो अभी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है अप टू 50% तक ऑफ है नायका में। तो जल्दी करिए। यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज़ की हूँ नायका से, वो है ये वाला। ये है हिमालय का कोको बटर इंटेंसिव बॉडी लोशन। ये काफ़ी अच्छा बॉडी लोशन है, खास करके जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और जिनको जो है कोको का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, उसी का स्मेल भी आता है। तो अगर कोई है जिनकी काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन है, और मैं इसकी जो है फुल रिव्यू भी अपने चैनल पर जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। बाकी जो इसकी ओवरव्यू है मैं उसको अभी दे देती हूँ। इस बॉडी लोशन में जो है कोकोआ बटर है, विटग्राम है। आपको पता है जो कोकोआ बटर है आपकी स्किन को नरिश करती है, आपकी स्किन को हील करती है, और ये जो है आपकी स्किन पे जो है एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करती है। जबकि विटग्राम ऑयल जो है इसमें विटामिन ई है, और आपको पता है कि विटामिन ई कितना ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी स्किन के लिए। और ये जो प्रोडक्ट है ये 400 ml है, और प्राइस है इसका 280 rupees, और इसका सेल्फ लाइफ भी आप देख सकते हैं 3 साल का है। तो ये अगर आप अभी सेल पे परचेज करेंगे तो इसको जो है आप कुछ डिस्काउंट, अच्छे डिस्काउंट में परचेज कर सकते हैं। मैं इसे शायद 240 में परचेज की थी। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसका फुल रिव्यू जल्दी अपने चैनल पे ला के लेके आऊँगी। तो ये रहा मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एन के फैशन से पोइशन एप्पल। ये जो है एक आई शेडो है, और इस आई शेडो का जो नेट वेट है वो है 11.7 ग्राम। मैं इसकी प्राइस वगैरह आपको बता देती हूँ। इसकी जो प्राइस है 800 के आसपास है, 799 rupees है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सेल्फ लाइफ इसका 3 साल का है, जो कि 21 से 24 है, तो काफ़ी लंबा पीरियड है। बट मुझे ये शायद 50% ऑफ में मिला था, तो आई थिंक मैं इसे 400 के आसपास ही परचेज की हूँ। और इसकी जो कलर है, इसमें बहुत सारा कलर ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको इसमें पिंक के ग्रुप में मिल जाएंगे, आपको इसमें ब्लू ग्रीन येलो के ग्रुप में मिल जाएंगे। मैंने जो परचेज़ किया है ये जो है पिंक और रेड के ग्रुप में थे। मुझे पिंक कलर का आई शेडो ज़्यादातर पसंद है, मैं ज़्यादातर इसी को ही यूज़ करती हूँ, चाहे कोई सा भी आई शेडो पैलेट होती है, चाहे कोई सा भी आई शेडो पैलेट हो। तो मैंने इस बार इसका जो है पिंक और रेड के ग्रुप में जो कलर मिल रहे थे मैंने उसमें परचेज़ किया, और इसकी कलर काफ़ी अच्छा है। मैं आपको यहाँ पर कुछ स्वेचेस दिखा देती हूँ। ये जो है पिंक है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है इसका कलर जो है पिगमेंटेड है। और ये कुछ है जो आपको ग्लिटरी सेट में मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। ये सारे के सारे पिगमेंटेड है, और ये आप देख सकते हैं ऑफ वाइट कलर में है। आपको मैं कुछ कुछ सेट दिखा देती हूँ। ये जो है ग्लिटर में है, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला ग्लिटर सेट है, ये वाला। तो ये जो 3 और 4 5 जो है ग्लिटर सेट मिल जाएंगे, और ये जो 4 सेट है ये आपको मैट सेट में मिल जाएंगे। ये जो है बिल्कुल रेड कलर में है, आप देख सकते हैं सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। और इसको मैंने वेयर किया था एक बार, तो इसकी लॉन्जिटिविटी की बात करें तो ये अराउंड 4 to 5 आवर रुक जाती है विदाउट मेकअप फिक्सर। अगर आप मेकअप फिक्सर लगाते हैं तो ये आपका उससे भी ज़्यादा टाइम स्टे कर सकती है आपके आई में। और इसकी जो कलर की बात करें काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैं इसकी फुल रिव्यू जल्दी अपने चैनल पे अपडेट करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये वाला लॉरियल का जो है शैम्पू है। मैंने लिया है लॉरियल पेरिस का 6 ऑयल नरिशिंग शैम्पू। ये मैंने काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं कर सकती। काफ़ी अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, और ये मेरी बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा सूट की है। अगर आप इसकी फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी भी रिव्यू ले आऊँगी। इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, इसकी प्राइस 135 rupees की है, बट ये कुछ ऑफ में है तो 99 rupees में मुझे मिल गई है। एंड इसकी भी सेल्फ लाइफ 3 साल की है, 21 से 24, और ये 192.5 ml की है। तो ये रही इसकी जो है शैम्पू, और इसके साथ ही मैंने मंगवाया है इसके कंडीशनर भी। कुछ प्रोडक्ट मैंने ओपन कर ली थी और कुछ जो है मैं अभी तक ओपन नहीं की हूँ, तो मैं इसकी जो पैकेजिंग है इसके ओपन कर देती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ।
ये वही लॉरियल पेरिस का 6 ऑयल नरेसिंग का जो है कंडीशनर है, और कंडीशनर और शैम्पू दोनों ही अच्छे हैं। मैं एक ही ब्रांड का शैम्पू और कंडीशनर यूज कर रही हूँ अभी, और ये जो है ड्राई और डल हेयर के लिए काफ़ी अच्छे हैं। मेरी जो हेयर है वो शैम्पू, कुछ शैम्पू मैंने ट्राई किए थे उसके बाद वो ड्राई हो जाते थे, बट जब से मैंने ये लॉरियल 6 ऑयल वाला शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ तब से मेरी बाल ऑयल मतलब जो है उतना ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं, और कंडीशनर यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं, सिल्की भी लगते हैं मेरे बाल जो हैं। इसकी जो प्राइस है 199 रुपीज़ है, इसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिली थी। ये 175 ml के साथ 17.5 ml पता नहीं प्लस इन्होंने क्यों लगाया हुआ है, शायद वो फ्री दे रहे होंगे 17.5 ml जो हैं। और ये जो है 192.5 ml का प्रोडक्ट आपको 200 में मिलती है, उसकी भी सेल्फ लाइफ 3 साल की है, 21 से 24 तक है, आप देख सकते हैं। और अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करना चाहें तो मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप उसे भी चेक। सो ये दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, मेरी तरफ से 100% रिकमेंड प्रोडक्ट है। मैं इसके फुल रिव्यू जल्दी अपने चैनल पे अपडेट करूँगी, आपको भी पसंद आएंगे आप अगर इसे परचेज करके यूज़ करेंगे तो। और ये जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो प्रोडक्ट है मेरी फेवरेट है इस हॉल में से, ये जो है आपका पैक का लिक्विड फाउंडेशन है जो कि 30 ml का है, और इसकी जो प्राइसेस हैं आप देख सकते हैं 875 रुपीज़ की है। इसे मुझे कुछ डिस्काउंट मिली थी तो 800 के अराउंड ही मुझे इसको जो है पड़ी थी, मैंने सेल में ही लिया है। आप भी अभी सेल चल रही है, अभी 26 दिसंबर तक सेल रहेगी, आप अभी इसी सेल में परचेज़ कर सकते हैं, आपको भी कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलेगी। ये फाउंडेशन मेरी फेवरेट है, मैंने इसे काफ़ी टाइम इससे यूज़ कर रही हूँ, लगभग 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने इसे, ये मेरा जो है सेकंड ऑर्डर है। मुझे इसके बारे में कुछ एक चीज़ आपको दिखानी है, मैं आपको बता देती हूँ। मेरा जो फाउंडेशन का सेड है वो 2.3 है, और अगेन इसकी जो सेल्फ लाइफ है 3 साल की है, 21 से 24 तक है, 30 ml का प्रोडक्ट है, सेड नंबर 11 2.3 है। ये इस तरह का पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, इस तरह का एक जो है कार्डबोर्ड का ये टब बना हुआ रहता है, और फिर ये ग्लास बॉटल रहता है वहाँ पे। तो ये रहा उसकी फाउंडेशन, और ये जो है पंप सिस्टम में आती है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बट मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मेरे पास और एक प्रोडक्ट है जो मैंने पिछले साल ख़रीदी थी, और इसकी भी जो सेड है 2.3 ही है, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ये 11 2.3 ही है, ठीक है, ये तो हाँ ये रहा 2.3 है, और ये भी 2.3 ही है, ये जो है 2.3 है सेड, और ये भी 2.3 है। ये मैंने रिसेंटली मंगवाया है ये वाला बॉटल, और ये मैंने पिछले साल मंगवाया था। मैं अगर आपको इसकी सेड दिखाऊं तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि आप देख सकते हैं ये, अब देखिए ये वाला जो है मैंने रिसेंटली मंगवाया है जो मेरे राइट हैंड में है, और ये मैंने पिछले साल मंगवाया था जो मेरे लेफ्ट हैंड में है। आप देख सकते हैं बॉटल भी जो है खाली होने वाला है, तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला सेट जो है लाइटर है इससे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतना अच्छा ब्रांड है फिर इन लोगों से भी कैसे गलती हो जाती है कि अगर सेम सेड में ही अभी 1 साल बाद परचेज करने में थोड़ा सा लाइटर दे रहे हैं ये लोग, तो हम लोग कैसे अपना सेड डिसाइड करेंगे ये देख करके, ऑनलाइन देख करके। मैंने इसे पिछले साल मंगवाया था, और ये वाला 2.3 मेरी सेट के लिए, जो मेरी व्हाइटेस्ट वाइट है स्किन, तो ये वाली सेट जो है मेरे फेस के लिए परफेक्ट थी, बट ये थोड़ी सी लाइट हो रही है, जबकि ये वाला 2.3 था और मेरे लिए परफेक्ट थी, इसलिए मैंने इस बार भी 2.3 मंगवाई हूँ। और सेम नायका ऐप से ही मंगवाया, मैंने ऐप भी चेंज नहीं किया कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाएगी, तो पता नहीं कैसे ये ब्रांड वाले भी जो है इनसे भी गलती हो जाती है। ये देख सकते हैं वन सेट लाइटर है ये वाला जो रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है, और जो पहले परचेज़ किया था ये वाला नॉर्मल था, मेरे स्किन को बहुत अच्छे सूट कर रही थी। बाकी ये जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छे से कवरेज देती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आईशेडो मैंने रिमूव कर ली हूँ, फिर भी थोड़ा सा रह गया है, आप देख सकते हैं मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो ये वाला आईशेडो जो है हाइड हो जाएगी। देखिए मैं इतना सा प्रोडक्ट ली हूँ, मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, बट मैं हैंड से भी अगर इसको करूँगी ना और थोड़ा सा इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेते हैं अपनी स्किन पर, तो आप देख सकते हैं जो आई शेडो का कलर था वो बिल्कुल से रिमूव हो गया है, अब आई शेडो का कलर नहीं दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे हाई कवरेज प्रोवाइड करती है जो कि अच्छा लगता है, हालांकि इसकी प्राइस जो है कम नहीं है, 900 के आसपास है, बट स्टिल ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, हाई कवरेज देते हैं, इसलिए मुझे अच्छी लगी ये वाली प्रोडक्ट, आप भी जरूर से ज़रूर परचेज़ करिए। बाकी ये सेड वाला जो थोड़ा सा मैटर हो गया है, पता नहीं क्यों ये लोग कैसे किए हैं, अगर ब्रांड वाले ये वीडियो देखते हैं मैं बोलना चाहूँगी कोई भी कि आप ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाइए, आप अगर बना रहे हैं कोई सेट को तो उसी सेट को मेंटेन रखिए, क्योंकि हम जब कस्टमर सेम सेट को फिर से परचेज करते हैं और हम लोगों को अगर सेम सेट नहीं मिल पाती है तो दिक्कत हो जाती है, फिर वो स्किन पे अच्छी नहीं लगेगी अगर सेम स्किन टोन की फाउंडेशन आप नहीं परचेज करते हैं तो।
आई होप आज की ये वाला हॉल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ढेर सारा ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।